सुन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। पूर्वी चंपारण जिले की एक घटना ने न सिर्फ इंसानियत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है बल्कि पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल यहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद मृत बच्ची के परिजन को मारपीट कर नेपाल भगा दिया गया है। हालांकि परिजनों ने हिम्मत दिखाकर डीएसपी के पास लिखित शिकायत की, तब जाकर यह मामला सामने आया। हद तो तब हो गई जब इस मामले में एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो में स्थानीय थाना प्रभारी और आरोपियों के बीच मामले को रफा दफा करने को लेकर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि नेपाल का रहने वाला पीड़ित परिवार कई महीनों से जिले के चैनपुर में किराए के मकान में रहता था। घटना के दिन बच्ची की मां नेपाल गई हुई थी और पिता चौकीदार की नाइट ड्यूटी करने गया था। इसी दौरान बच्चे को घर में अकेले पाकर मकान मालिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद जबरन मृत बच्ची का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। बहरहाल एसीपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है और आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उसी मामले में जिसमें उन्होंने एफआईआर में दर्ज कराया है कि सामूहिक बलात्कार के उपरांत हत्या की गई और फिर दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को, और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नीसन न्यूज़। नमस्कार।